Do you know the difference between the top 5 to 10% of the students who pass in a competitive exam and the rest of the students, 90 to 95%, जो पास नहीं हो पाते? And if we talk about schools and colleges, तो वो toppers and the other students who get average marks. Thumbnail से आपको पता चल गया होगा, the difference is because of lack of revision. Yes, revision is the key to success. So let's talk about the first thing, that why we have to do revisions. सो रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो कि आप अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन आप कर रहे हो, सेकेंड कर रहे हो, उसका भी हो जा रहा है, सेकेंड चैप्टर का भी, थर्ड चैप्टर का भी हो रहा है, लेकिन चौथे पाँचवें चैप्टर तक जब आप पहुँचोगे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो आप भूलने लगोगे, राइट? या आप ये कह सकते हो कि अगर आप अभी रिवाइज नहीं करते हो, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ जो आपके स्टार्टिंग डेज है वो उसमें आप रिवाइज नहीं करते हो, आप सीधे बाद में आते हो एंड में रिवाइज करने, तो आपको लगेगा कि मेरा पहला हुआ पढ़ा हुआ तो सब बेकार हो गया क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है. सो दिस इज बिकॉज आपने रिविजन नहीं किया था. सो दिस इज वाई वी हैव टू रिवाइज थिंग्स हमेशा टाइम टाइम पर, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स वी फेस. सो इस वीडियो में आई टेल यू अबाउट कि प्रॉब्लम्स क्या फेस होती हैं, कैसे रिविजन करना है, क्या मटेरियल का रिविजन करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी, यानी डोंट्स वाइल डूइंग योर रिविजन, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स फर्स्ट. नंबर वन इज दैट आपके पास टाइम नहीं है रिविजन का. सी, टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है. अगर आप कुछ ब्रेक लेते हो तो आप रील्स के लिए टाइम निकाल लेते हो, आप बाहर घूम के आने के लिए टाइम निकाल लेते हो, खेलने के लिए निकाल लेते हो, तो आपको टाइम रिविजन्स के लिए भी निकालने होंगे. तो रिविजन के लिए टाइम निकालो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अभी आप 20-20 मिनट करके रिवाइज करना चाहते हो या एग्जाम में सीधे 10 घंटे बैठ के. तो अगर अभी आप 20 मिनट करते हो तो उस समय आपको बहुत कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में और वो एफर्टलेस हो जाएगा एक तरीके से, राइट? तो उसके लिए टाइम निकालो. सेकेंड इज, आपको आलस आती है रिवाइज करते वक्त, सबको आती है, आप ही को नहीं आती, मुझे भी आती थी. एंड एकेडमिकली अगर बात किया जाए तो पढ़ना बहुत बोरिंग एक्चुअली होता है, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनानी पड़ती है क्योंकि अगर पास होना है तो पढ़ना ही है. तो रिविजन में अगर आपको बोरियत फील होता है तो दो चीज़ें हैं. पहले तो डेडलाइन सेट कर लो या प्लान कर लो, मुझे इस डेट तक तो इतना रिविजन करना ही है, इन इन चैप्टर्स का, इन इन टॉपिक्स का रिविजन करके ख़त्म करना है. डेडलाइन बनाओगे तो वो ट्रिगर करेगा आपको, माइंड को, कि हाँ मैंने सेट किया था यार, अगर नहीं होगा. देखो, अगर आप प्लानिंग करते हो ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास समय कम है, काम ज़्यादा है, तो आप अपने आप काम करने लगोगे. डेडलाइन लगाओ, उसको फॉलो करो. सेकेंड थिंग इज, ब्रेक्स लो प्रॉपर, यार कंप्लीटली एलिमिनेट मत करो अपने फ्री और एंटरटेनिंग टास्क को भी. यानी आप अगर डांस करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो डांस करना, डेली 5-10 मिनट डांस कर लो, उसमें 10 मिनट में क्या ही चला जाएगा. और अगर आप रील्स देख रहे हो तो 15 मिनट रील्स को अलॉट करो, 15 मिनट रील्स करें देखेंगे, 15 मिनट गेम खेल के आएंगे आधे घंटे, और बाकी टाइम पढ़ेंगे प्रॉपर, तो आप बोरिंग नहीं फील करोगे. अदरवाइज ऐसा होगा कि एक दो दिन तो आपने पूरे कंप्लीटली रील्स वगैरह सब छोड़ दिया, एकदम पढ़ रहे हो, तीसरे दिन वापस आप आ जाओगे रील देखने पे अपने. तो कंप्लीटली मत एलिमिनेट करो, अपने एंटरटेनिंग टास्क को भी रखे रहो. तो ये दो चीज़ें थी. प्रॉब्लम नंबर 3 इज दैट बैकलॉग्स है, रिविजन के लिए टाइम कैसे निकालें, बैकलॉग तो कवर कर ले. तो बैकलॉग्स आपको कवर करने हैं या तो हॉलीडे या संडेज जो होती हैं, जिसमें यूजुअली कोचिंग बंद होता है, आप संडेज को कर सकते हो. या दूसरा तरीका होता है कि आप एक दिन में सारा अपना इंपॉर्टेंट काम कर लिया, लेक्चर देख लिया, लेक्चर का पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया, वो सब कर लिया, रिविजन कर लिया, उसके बाद बैकलॉग करो. क्योंकि जो आपने पढ़ा है उस पर तो ग्रिप बनाओ, तब जाके आप बैकलॉग पे ध्यान दोगे ना. देन वी कम टू द पॉइंट कि यार रिविजन करना कैसे, हाउ वी हैव टू डू इट. उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि 3 आपको कलर के हाईलाइटर रखने हैं अपने पास, येलो, ग्रीन एंड रेड. सी, रेड कलर आपको उन क्वेश्चन के लिए मार्क करने हैं जो क्वेश्चंस टिपिकल है, टफ हैं, जो एकदम मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, जिनको 4-5 बार देखेंगे नहीं तो यार एग्जाम में याद नहीं आने वाला. सेकंड इज येलो, जो मतलब आप 3-4 बार देख के जाओ तो हो जाएगा. और ग्रीन यानी कि आप एक बार ही बस देखना काफ़ी है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. सो इन 3 हाईलाइटर से आप टॉपिक्स और क्वेश्चंस को मार्क करते रहो. नाउ हाउ टू रिवाइज थिंग्स. सो एक तो होता है आपने आज लेक्चर देखा, आज अपने वो टॉपिक्स को बुक से पढ़ लिया. अब नेक्स्ट डे आप जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे होगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करोगे, उससे पहले आज जो आपने नोट्स बनाए या पढ़ा जो भी, उस चीज़ को आप रिवाइज करोगे, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करोगे. ये चीज़ आपको 2-3 दिन फॉलो करनी है. यानी ट्राई करो कि आज मैं आज का लेक्चर देख रहा हूँ तो आज लेक्चर देखने के बाद और आज का टॉपिक कवर करने से पहले अपना यस्टरडे वाला टॉपिक एंड डे बिफोर यस्टरडे वाला आप रिवाइज कर लो.
सो इससे आपका जो है मेंटेन रहेगा पूरा रिवीजन का स्केड्यूल, और उसके बाद आपको वीकेंड्स पे रिवीजन करना है। तो अब ये जो सेम डे वाला मैंने बताया था कि आज कल और डे बिफोर यस्टरडे वाला, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, यानी येलो रेड ग्रीन तीनों चीज़ मार्क वाली चीज़ें, और आपके नोट्स और जो भी बुक थे वो पूरा, ऑफकोर्स अननेसेसरी पार्ट हटा देना। वीकेंड्स पे आपको सिर्फ येलो एंड रेड वाली चीज़ें रिवाइज करनी है, येलो रेड मार्क टॉपिक्स, एंड देन आपको रिविजन करनी है अपने एग्जाम से 1-2 महीने पहले। मेरे केस में चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे मेरे सीए के एग्जाम्स हो, ऑफकोर्स ग्रेजुएशन में इतना पढ़ाई नहीं करते, बट इन तीनों एग्जाम्स में आप मैंने यही किया था कि 2 महीने पहले एटलीस्ट मेरे सिलेबस फिनिश थे, और 2 महीने में मैंने उस सिलेबस को 2 से 3 बार कंप्लीट रिवाइज किया था कंप्लीटली। तो उस टाइम पे क्या रिवाइज करना है आपको, उस टाइम पे आपको रिवाइज करना है कि जितने येलो एंड रेड मार्क क्वेश्चंस हैं उसमें आप फर्स्ट सेकंड जब फर्स्ट टाइम करोगे उन 2 मंथ्स में रिवाइज, तो उसमें येलो मार्क रेड मार्क सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स वो रिवाइज करोगे, एंड उसके बाद डे बिफोर एग्जाम लास्ट डे जो रिविजन होता है उसमें सिर्फ रेड वाले टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। सो दिस वॉज वन थिंग। आई होप आप सब कुछ लिख रहे होगे, मैंने लिख के नहीं दिया बिकॉज यार देखो मैंने भी तुमको बोला था कि तुम सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो भी बहुत लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे, जिन्होंने किया आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बट दोस्त जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे देख के जा रहे, उन्हें ठीक भी लग रहा है वीडियो, अच्छा भी लग रहा है, तो भी सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो फिर मैंने भी सोचा कि लिख के भी मैं भी क्यों दूँ, राइट। सो जोक्स अपार्ट, दीज वर द पॉइंट्स, इन पे आपको ध्यान देना है। अब नोट्स और मटेरियल होगा क्या, एक होता है आपका बेस मटेरियल, यानी क्लास 10-12 स्टूडेंट्स के लिए, IIT JEE नीट स्टूडेंट्स के लिए उनका NCERT या कोचिंग का मटेरियल अगर वो मानते हैं। सेकेंड थिंग है CA वाले बच्चों के लिए उनका स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट से आता है, CA CMA वालों के लिए। तो ये अपन अपना बेस मटेरियल है, इसी पे ज़्यादातर आपको ध्यान देना है, और इसके अंदर मार्किंग करनी है आपको अपने नोट्स की। सेकेंड चीज़ इज आपका क्वेश्चन बैंक, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अंदर आपको मार्किंग करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन हर बार नहीं देखे जाते। देन आपके पास आता है थर्ड थिंग कि थियोरी सब्जेक्ट्स के केस में आपने या तो हैंड रिटन ओन नोट्स बना लिए, या अगर आप समरी बुक अगर कहीं से खरीद रहे हो, या फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी हैं तो वो आपकी समरी बुक हो गई, प्लस में आपके स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स जो आप समरी बुक में लगाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है समरी बुक में, और बहुत कॉन्सेप्ट्स जो आपको टफ लगते हैं उसके एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं होते, वो चीज़ आप स्टिकी नोट लगा के करोगे, तो ये आपका कंप्लीट थियोरी का मटेरियल बन जाएगा, और प्रैक्टिकल का मटेरियल आपका ऊपर आपके नोट्स और आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। सो ये मटेरियल आपका हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक डूड्स, क्या चीज़ें नहीं करनी है हमें। सो उसको बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट जो वीडियो थी हमारी, कि लर्न एनी थिंग फास्टर, हाउ टू लर्न एनी थिंग फास्टर, हाउ टू मेमोराइज एंड रिमेंबर थिंग्स फास्टर, तो वो वीडियो प्लीज़ आप चेकआउट कर लेना, उसमें बहुत यूजफुल बातें मैंने कही हैं। एंड मैंने सीए से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, सीए इंटर स्टूडेंट्स, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह उसकी भी वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट कि क्या नहीं करना डोंट्स। फर्स्ट थिंग इज मैराथन। सी मैराथन आपको आप देखना है चैप्टर वाइज रिवीजन के दौरान। सी वीकेंड्स में यूजुअली आप एक वीक में एक चैप्टर दो चैप्टर हो जाते हैं, तो वीकेंड्स में आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे होते हो ज़्यादातर टाइम, तो उस चैप्टर वाइज रिवीजन के टाइम पे या वीकेंड रिवीजन के टाइम पे आप ये कर सकते हो कि आपने पूरा नोट्स रिवाइज करना बोरिंग हो जाता है ऑफकोर्स, तो आप मैराथन देख लो ना, मैराथन उस समय आप देख सकते हो, बट नॉट 1 या 2 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम। उस समय आपका फुल फोकस आपके बुक्स पे होना चाहिए, तो आपको मैराथन खाली अगर देखनी भी है, देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर देखनी भी है तो उस वीकेंड वाले टाइम पे देख लेना स्टार्टिंग डेज में, कंसेप्ट के लिए क्वेश्चंस तो अलग से ही करने। सेकेंड चीज इज होल बुक एंड नॉट मार्क क्वेश्चंस, यानी कि आपने पूरा बुक नहीं रिवाइज करना बल्कि मार्क क्वेश्चंस करने हैं। शायद आप जंबल्ड अप हो गए हो मैंने जो बोला, मैं खुद ही हो गई थी, बट आपको करना क्या है, आपने जैसे मैंने बताया मार्किंग करके रखनी है, नोट्स बना के रखने हैं, आपको उन्हें ही रिवाइज करना है, ना कि पूरे बुक को। तीसरी पॉइंट आती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रिफ़र करते हो, कोचिंग के डिफरेंट कोचिंग्स के बुक्स हो गए या डिफरेंट ऑथर्स के बुक हो गए, आपको वो नहीं करना है, आपको एक बेस बुक को बार बार रिवाइज करना है रादर देन डिफरेंट बुक्स वन टाइम, राइट। तो उससे आपको रिटेंशन ज़्यादा होगी, देन रिकॉल करना है आपको चीज़ों को। रिकॉल के बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे, उससे पहले एक और 2 पॉइंट्स और हैं। फर्स्ट इज कि आप जब प्लानिंग कर रहे हो ना कि आपको कब क्या रिवाइज करना है, उसमें आप बफर टाइम रख देना फॉर टॉपिक्स जो अनक्लियर रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है आप कुछ पढ़ रहे होते हो, आपको याद आता है यार इस उसको मैं याद नहीं कर पा रहा अच्छे से, या कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग से निकल गया है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके लिए आप बफर टाइम रखो। दूसरा आप कोई इवेंट पड़ जाता है, शादी वगैरह, शादी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी के लिए प्लीज़ मत छुट्टी लेना, तो
अगर कोई और इम्पोर्टेंट इवेंट आ जाता है, काम पड़ जाता है, तो उसके लिए आप बफर टाइम रखना, हमेशा हफ्ते में 2 दिन बफर रिविजन वाला, बफर वाला रखना, जिसमें रिविजन कर सको आप अच्छे से. देन हाँ, रिविजन डेली करनी है, 2 दिन बफर रखना है. देन रिवाइज इन द सीरीज की इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ना कि फेवरेट टू लीस्ट फेवरेट. राइट, फेवरेट से मतलब नहीं, अपने को जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करो, उसके बाद ताकि सारे इम्पॉर्टेंट तो कवर हो ही जाए, लीस्ट इम्पॉर्टेंट भले ही ना कवर अगर रह जाता है तो. वैसे तो 100% करना चाहिए, लेकिन स्टिल स्कोप ही नहीं छोड़ना कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे छूटे हो. तो इम्पॉर्टेंट को पहले करो, जिनके मार्क्स ज़्यादा कैरी करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसके बाद आप लीस्ट इम्पॉर्टेंट पे जाओ. सो दिस वॉज अ सीरीज. ना रिकॉल वाला पॉइंट मैं बता दूँ, तो रिकॉल वाले में आपको क्या करना है, थियरी सब्जेक्ट्स के केस में आपने क्वेश्चन जब अरे सॉरी टॉपिक जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं पूरा याद करूँ, हाँ इस टॉपिक में ये था वो था. या तो आप मन में रिवाइज कर लो उसके बाद रीड करो, या सेकेंड जो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप एक ब्लैंक पेज ले लो या नोटबुक लो, उसके ऊपर आप जॉट डाउन कर दो कि हाँ इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने क्या 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 पढ़ा, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, वो लिखते जाओ. उसके बाद आप मैच करो कि क्या मेरा रह गया, जो रह गया हो या छूट गया होगा आपसे कि ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा, यानी वो पॉइंट आपका वीक है, उसको रिविजन ज़्यादा करने की ज़रूरत है. राइट, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो आपको पता चल जाएगा. दिस वॉज फॉर थ्योरी सब्जेक्ट. सेकेंड इज़ फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कि आप क्वेश्चंस बार बार सॉल्व नहीं कर पाओगे ऑफकोर्स, लेकिन आपको एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 बार तो रिवाइज करना है. डिफिकल्ट क्वेश्चंस 3 बार और इजी क्वेश्चंस 2 बार ही. सो दैट इज अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. एंड उसके बाद 2-3 बार करने के बाद जब आगे आप रिविजन्स कर रहे होगे, तो आपको सिंपल सी बात है ऑडिटिंग करनी है. ऑडिट करते जाओ और 1-2 क्वेश्चंस बस, हर चैप्टर के 1-2 क्वेश्चंस लगा के देख लो. तो ऑडिट करना यानी आपने देखा, आपको आपने ध्यान किया ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, स्टेप्स देखे और चेक कर लिया हाँ वैसा ही है. तो ये ऑडिट करना होता है क्वेश्चंस का. सो दिस वॉज अ कम्प्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया. आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, प्लीज़ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार. किया ही होगा आई होप, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, उतना तो याद ही होगा आपको. नहीं किया तो अब कर लो. कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या और वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.